राम राम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। दोस्तों, आप सभी को दशहरा यानी कि विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हैं हम अपने गांव के पड़ोसी नगर फफूंद में, और मैं आपको दिखाऊंगा यहां किस तरीके से बहुत ही भव्य और प्राचीन रामलीला का आयोजन होता है। तो अभी हम रामलीला और मेला की तरफ चल रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेले में लेकर चलता हूँ, बाकी की जानकारी वहीं वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेले में, और बड़ा ही अच्छा आप स्वागत गेट देख सकते हैं। सामने तमाम तरीके की लाइट्स लगी हुई हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि दशहरा है। आज रामलीला का लगभग अंतिम दिवस है, इसके दो दिन बाद तक भी रामलीला चलती है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। रावण दहन देखने के लिए जनता आई हुई है, और ये है रामलीला पंडाल। तो मैं लगभग 10 साल बाद इस रामलीला पंडाल में आया हूँ, तो यहाँ काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तरीके के डिजाइनर और अच्छे पंडाल नहीं लगा करते थे उस टाइम, लेकिन एक बात है, जो पंडाल सामने लगा हुआ है बस इतना ही पंडाल है। पहले इस लगभग पूरे प्रांगण में पंडाल लगाया जाया करता था, और बड़े ही अच्छे मन से लोग रामलीला का मंचन देखने आया करते थे। अब उतने अच्छे कलाकार भी नहीं रहे, और सामने देख सकते हैं फीता काट के उद्घाटन करने का कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों, यही वो चीज़ हैं जिन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों की मर्यादा बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। अब कहीं भी देखिएगा, कैसा भी कार्यक्रम हो, वहाँ पर आपको राजनीति के कुछ ना कुछ लोग ज़रूर नज़र आ जाएंगे, और ये कार्यक्रम यहाँ हर रात 3 से 4 बार होता है। दोस्तों, अब मैं आपको मेले में घुमाता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों का खेल, ये गुब्बारे जैसा एक बहुत बड़ा विशाल स्टैचू जिस पर बच्चे उछल कूद कर खेल रहे हैं। आपने भी बचपन में ये खेल ज़रूर खेला होगा, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये खेल खेला होगा। यहाँ पर मेले में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। सामने रावण का पुतला एक सीमेंटेड स्टैचू पर बना हुआ है, उसको भी दिखाएंगे। पहले आप देखिए, टिशू रखा हुआ है। आज दशहरा के दिन से रावण दहन होता है, जिस दिन उस दिन के बाद से 5 दिन तक इनके त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिसको लड़के लड़कियाँ झेंझी और टिशू को रात में गीत गाकर घर घर जाकर मांगते हैं, और आप लोग भी ले जा रहे होंगे घर पे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं लाए होंगे, और इनको अच्छे से मनाएंगे 5 दिन तक। अब चलिए मेले में, ये देखिए चाचा गोलगप्पे खाने में लगे हुए हैं, इधर केले वाला एक केला बेच रहा है, और इधर देखिए पॉपकॉर्न, मक्के की खीर, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है अब मेलों हेलों। इधर आइसक्रीम वाले एक भैया लगे हुए हैं, दोनों हाथ बंद नहीं हैं इनके, आइसक्रीम बांट रहे हैं। इधर देखिए चाउमीन, फिंगर, मोमोज, फास्ट फूड का ये ठेला लगा हुआ है, काफ़ी लोगों ने इन्हें भी घेर रखा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है मेले, राजपूत खजला भंडार, औरैया वाली दुकान है, ये मशहूर पॉपुलर दुकान है, काफ़ी लंबा इनका स्टॉल है, वहाँ एंड तक लगभग काफ़ी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, जिसलिए मैं आपको लाया था, ये देखिए सामने काफ़ी सारे लड़के यहाँ पर, वही एक जुनून सेल्फी का, वीडियो का, सेल्फी और वीडियो के चक्कर में रावण के पास तक पहुँच गए हैं, जहाँ रावण का पुतला बना हुआ है। और ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं नीचे का, कंक्रीट का, सीमेंट का बनाया हुआ काफ़ी पुराना स्तंभ है, और इसके ऊपर रावण का पुतला बनाया गया है। अब इसमें काफ़ी कम बारूद लगाई जाती है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप दरार आ चुकी है, और इस मेले और इस रावण के पुतले की अगर बात करें, तो श्री रामलीला समिति नगर पंचायत फफूंद 153वां वर्ष अपना सकुशल मना रहा है। काफ़ी पुराना ये स्तंभ है, हम इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं मेले का वो नज़ारा। साथियों, शाम हो चुकी है, और इसलिए इतना साफ और सुंदर दृश्य आपको नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल मैं रावण के नीचे का जो कंक्रीट का स्तंभ है वहाँ आ चुका हूँ, और यहाँ से देखिए आप मेले का वो सुंदर सा नज़ारा, पूरी दूधिया रोशनी में जगमगाता हुआ पूरा मेला प्रांगण, हजारों की संख्या में मेला को देखने आए दर्शक, और सामने श्री रामलीला पंडाल में मौजूद श्रद्धालुजन और दर्शक, हजारों की संख्या में इस दशहरा मेले में पधारे श्री राम भक्त और श्रद्धालु उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आकर के
अपने रथ से इस युद्ध क्षेत्र में दशानन यानी कि रावण के सीने को और इसके शीश को अपने बाणों से छलनी करेंगे। बड़ी ही सुंदर लीला का मंचन करते हुए कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के पास विलाप करते हुए, जिनको मेघनाद के शक्ति बाण द्वारा मूर्छित कर दिया गया है, बड़ा ही सुंदर मंचन कर रहे हैं यहाँ के कलाकार। और आप देखिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर अधेड़ और उम्रदराज लोग ही बैठे हुए हैं, नवयुवक आपको बहुत कम नज़र आएंगे। बड़ा ही सुंदर मंचन हो रहा है इस लीला का यहाँ पर। और इस लीला के पश्चात जब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आएंगे, सुसैन वैद को लेकर के आएंगे, तब लक्ष्मण जी को होश आएगा और उसके बाद में मेघनाद का वध होगा। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए अपने रथ से युद्ध क्षेत्र की ओर जाते हुए, जहां वो स्तंभ पर बने हुए रावण के पुतले के पास जाएंगे और तीरों से प्रहार करके उसको ध्वस्त करेंगे। मेले में आए हजारों श्रद्धालुजन चारों तरफ से, अब रावण की जो एक स्तंभ पर विशाल प्रतिमा बनाई गई, जो पुतला बनाया गया, उस ओर अपनी निगाहें जमाए हुए धीरे धीरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रथ द्वारा उस पुतले के पास पहुंच रहे हैं। और सभी लोगों को उस पल का इंतजार है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी रावण को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देंगे। प्रभु का रथ जो है रावण के पुतले के पास पहुंच चुका है और वहां से वो अपने तीरों से प्रहार करना शुरू करेंगे। और जैसे ही वो तीर चलाएंगे रावण पर, और डोर द्वारा बांधा गया एक हनुमान जी का स्वरूप जो कि जाएगा और रावण में आग लगा देगा, और इसके अंदर जो आतिशबाजी लगाई है वो एकदम से धुँ धू करके जला देगी पूरे रावण के इस पुतले को। तो अब वो अंतिम क्षण है, श्री राम जी का रथ पुतले के बिल्कुल पास पहुंच चुका है और मेले में बड़ी चतुराई के साथ कैमरे द्वारा निगरानी भी की जा रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए ये देखिए साथियों प्रभु श्री राम के तीरों का प्रहार और लक्ष्मण जी के तीरों का प्रहार होने लगा है दशानन के ऊपर। और थोड़ी ही देर में धूं धूं करके इसके अंदर जो बारूद लगा है पूरा का पूरा स्तंभ, ये देखिए हनुमान जी गए और आग लगाकर भाग गए। तो साथियों इस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत और रावण दशानन का यहाँ पर अंत होता हुआ पूरी तरह से छत बिछत कर दिया है भगवान श्री राम और लक्ष्मण के तीरों ने और वीर हनुमान ने मिलकर के। दोस्तों यूँ तो हम हर वर्ष रावण का पुतला दहन करते हैं, लेकिन असल मायने में अगर देखा जाए हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाना, हमारे अंदर के रावण को मारना ही असल स्वरूप में दशहरा महापर्व है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने साथियों के पास इसको शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।